हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज हम गांव में कुछ जो गाछी वगैरह कहते हैं उसमें घूमने आए हैं, नई नई चीज़ें देखेंगे। और देखिए मेरे पीछे जो है ना, ये बांस, इसको बसवारी कहते हैं, यानी बांस जो होता है ना, जो झोपड़ी वगैरह बनाने में काम आता है और सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, लकड़ी की जो सीढ़ियाँ बनाई जाती है वो इस बांस से बनाई जाती हैं। और ये देखिए, ये है आपका आम का पेड़, आम है ये चारों तरफ मेरे जो है आम है, आम से घिरे पड़े हैं हम। इस समय आम है नहीं, और आम के सीजन में इतना आम होता है हद से ज्यादा कि खा नहीं पाते। लीची और आम इतना ज्यादा होता है। देखिए हम जंगल में भटक रहे हैं इस समय, लोग बगीचा कहते हैं, हम इसको गाछी कहते हैं बिहार की भाषा में। और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और ये देखिए मेरे पीछे, मैं दिखाता हूँ आपको, ये खजूर के पेड़ है, जो खजूर हम लोग खाते हैं ना, ये खजूर के, देखिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो है खजूर के पेड़ है, ये सारे खजूर हैं, इसमें खजूर आते हैं। और जो पिछली वीडियो मैंने बताया था आपको कि ताड़ी, ताड़ी जो बनती है ताड़ के पेड़ से निकलती है, तो इससे खजूर से भी निकलती है। कहते ना खजूर का रस पीते हैं लोग, तो ये वही खजूर है जिसका रस पीते हैं लोग। देखिए ये हल्दी की खेती है, इस तरीके से हल्दी की खेती की जाती है। देखिए और इसके जड़ में जो है ना, मोटे मोटे गांठ निकलते हैं हल्दी के, जिसको सुखाया जाता है, फिर उसको पीसा जाता है, और उसके बाद हमारे घर में पाउडर में, टर्मरिक के रूप में आता है वो। और इस तरीके से हल्दी की खेती है। देखिए ये हल्दी, पूरी हल्दी लगी पड़ी है। ये लोग सोचते हैं हल्दी होती कैसे, तो मैं जिनको नहीं पता उनको बताता हूँ। देखिए इस तरीके का हल्दी का पौधा होता है। देखिए दोस्तों, इस तरीके की जाली लगा दी जाती है, ये इस तरीके की जाली होती है, लोग अपने खेतों में लगाए थे। देखिए सब जगह आप देखोगे इस तरीके की जाली लगाई हुई है। नील गाय से अपने फसल को बचाने के लिए लोग इस तरीके की जाली लगाते हैं कि नील गाय फसल को ना खा पाए। देखिए दोस्तों, करेले की खेती हो रही है, ये सारे करेले लगे हुए हैं। देखिए इस तरीके से करेले की खेती होती है, देखिए कितने सारे करेले लटके हुए हैं। देखिए ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता खेती किस तरीके से होती है और किस तरीके से हमारे यहाँ सब्जियाँ पहुँचती हैं, ये उनके लिए है। इस तरीके से पूरा ये बंधा दिया, बांध दिया जाता है, और इस तरीके से सारी खेती होती है करेले की भी। और ये दोस्तों, ये है सागवान का पेड़। देखिए ये पूरा सागवान का पेड़ है। देखिए अब सागवान आप लोग सोचेंगे होता क्या है, तो दोस्तों हमारे घर में जो पलंग होते हैं ना, बेड वगैरह जो होते हैं, जो अलमारी वगैरह लकड़ी की होती है, टेबल वगैरह जो बनाए जाते हैं, फर्नीचर का काम होता है, वो इसकी लकड़ी से होता है दोस्तों, बहुत महंगा बिकता है। और देखिए दोस्तों, ये है बैंगन की खेती, इस तरीके से बैंगन होते हैं। देखो आपको दिख रहे होंगे वीडियो में बैंगन, ये मैं पास से दिखाता हूँ आपको। देखिए बैंगन लग रहे हैं, देखिए ये सारे बैंगन लग रहे हैं। देखिए ये इस तरीके से बैंगन की खेती होती है, देखिए पूरा बैंगन ही बैंगन है। और ये जालियाँ इसलिए घेरी हुई है कि नील गाय से बचाने के लिए, गांव में उसे घोरपरास कहते हैं पर शहर में नील गाय कहते हैं। देखिए बैंगन कितने प्यारे तरीके से बैंगन लगे पड़े हैं। देखिए ये केले का बागान, पूरा ये केले ऐसे होते हैं, देखिए अंदर तक पूरे केले ही केले हैं, और जितना अंदर जाएंगे देखिए केले का एकदम, कहते ना बौछार है केले का पूरा। देखिए इसको कैमरा घुमा दीजिए, देखिए केले ही केले, सब जगह केले ही केले। देखिए दोस्तों, ये है मिर्च का पेड़, कैसी मिर्च लगी हुई है। देखिए हरी मिर्च भी लगी हुई है, लाल मिर्च भी लगी हुई है, इस तरीके से मिर्च का पेड़ होता है। देखिए पौधा होता है, सॉरी। देखिए कितनी सारी मिर्चें लगी पड़ी हैं, देखिए देखिए मिर्च ही मिर्च लगी पड़ी है, एक पौधे में कितनी सारी मिर्चें लगी पड़ी हैं। हरी मिर्च भी है, लाल मिर्च भी है। यह है गाँव की खूबसूरती। और ये देखिए, यह है नींबू, नींबू का पौधा। देखिए कितने सारे नींबू लगे पड़े हैं, देखिए देखिए नींबू ही नींबू है, देखिए कितने सारे नींबू है एक पौधे में, कितने सारे नींबू। देखिए गांव में रहो, ताजा खाओ, स्वस्थ रहो, स्वस्थ जीवन जियो गांव में। देखिए हरियाली हरियाली।